जरा जानिए उस परिवार से कि कब आखिरी बार बात हुई, कितने लोग और हैं उनके बच्चे के साथ और क्या कुछ बच्चे ने कहा है। बिल्कुल प्राची, देखिए नमिता धीमान जिनका परिवार हमारे साथ है, उनके पिता हैं, माँ हैं, उनका भाई है और लगातार इंतज़ार है कि कब वो वहाँ से वापस लौटें और तमाम परिवार चिंतित भी हैं। आपने सरकार को कब जानकारी दी थी और वहाँ से कोई रिस्पांस क्या मिला है आपको? कल दिन में मैंने 112 पे कॉल की थी, तो उसके बाद मयूर बिहार थाने से फ़ोन आया था कि जो कोई भी जानकारी हुई तो हम आपको अपडेट करेंगे, तो उसके बाद फ़ोन आ गया था, लेकिन उसके बाद फिर अभी कोई जानकारी नहीं उसके मिली। अच्छा, नमिता की माँ हमारे साथ हैं, आपकी जो उनके साथ और कौन कौन लोग, आपने कहा कि पोलैंड तक वो आए हैं, तो वहाँ से किस तरीके से आए और भी क्या उनके साथ हैं, उनके साथ ही उनके साथ हैं आपकी बिटिया के साथ? हाँ जी, बच्चे और भी हैं उनके साथ में, कॉलेज से वो लोग बस में आए और बस में आके फिर पोलैंड में ही वहीं पर रुक गए वो, क्योंकि उन्हें आगे जाने नहीं दिया और रात से वो ठंड में वैसे ही हैं वहाँ पर और सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं है। अभी लास्ट टाइम जो आपकी बात हुई है तो उन्होंने क्या बताया आपको? वही कि वो लोग अभी फंसे हुए हैं वहाँ पे, कि हम लोग कल बड़ी मुश्किल से पैदल पैदल वहाँ से 20-25 किलोमीटर चल के आए थे और उसके बाद अभी हमारे को वहीं पे रोका हुआ है, पोलैंड में अभी एंट्री नहीं मिल रही, जैसे कुछ होता है तो बता दी। बिल्कुल, देखिए पूरा परिवार लगातार चिंतित है और ऐसे 188 परिवार अभी तक उत्तराखंड में चिन्हित किए गए हैं जिनके बच्चे खासतौर पर मेडिकल की पढ़ाई वहाँ पर करते हैं और तमाम जो है आंखों में आंसू भी हैं और जो माँ की चिंता है, भाई की चिंता है, पिता की चिंता है, वो तमाम चीज़ें देखने को मिल रही हैं। हर एक जगह से, हर एक इलाकों से इस तरीके की तस्वीरें हैं, ये उत्तराखंड की तस्वीरें हैं और उत्तराखंड से भी तमाम ऐसे परिवार हैं जिनके बीच एबीपी गंगा भी है, उनको अपडेट भी कर रहा है, साथ ही साथ ढांढस बनाने की कोशिश भी है। और कुल मिलाकर अभी ये भी जानकारी जो मिली है कि एक वहाँ से कुछ लोग वापस आ रहे हैं जो कि आज देर शाम तक जो है अपने वतन लौटेंगे और इसी तरीके से तमाम परिवारों को भी इंतजार है कि उनके बच्चे और उनके साथ जितने भी लोग हैं। बिल्कुल रवि, देखिए परिवारों की चिंता साफ तौर पर देखी जा रही है क्योंकि उन्हें अपने बच्चे की वापसी का इंतजार है। हालांकि आज 219 जो स्टूडेंट्स हैं वो वापस लौट रहे हैं, जरूर राहत की बात है कि लगातार वहाँ पर एवैक्यूएशन किया जा रहा है तमाम छात्रों का जो वहाँ पर फंसे हुए।